अगर आपके पास एक YouTube चैनल है और आप चाहते हैं कि हम उसका नाम को बार बार चेंज कर सकें, या फिर आप आपका जो 90 डेज की जो लिमिट होती है वो ख़त्म नहीं हुई है और आप चाहते हैं कि हम अभी अपना नाम चेंज कर लें अपने YouTube चैनल का, तो कैसे कर सकते हैं? आप अपने YouTube चैनल का नाम बार बार चेंज कर सकते हैं, इसके लिए देखते रहिए वीडियो। मेरा नाम रितेश जैन और आप देख रहे हो YT बेस्ड यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो देख लीजिए, हम आ गए YouTube के पेज पे और हमको क्या साइन इन करना है। तो ये मैंने एक टेम्प्ररी अकाउंट बनाया है, उसके साइन इन हो चुके अपन। इसके बाद आपको क्या करना है, माय चैनल पे क्लिक करना है। जैसे कि आप पूछ रहे हैं आपको अकाउंट बनाना है तो कि हाँ, क्रिएट चैनल कर देना है। तो ये अपना इसके जैसे अपन अकाउंट बना मतलब चैनल बनाते हैं, वैसे हमने चैनल बना लिया। तो इस चैनल का नाम तो अभी है टेम्प अकाउंट, मतलब टेम्प एक है ना, ये इसका चैनल का नेम है अभी। अब इसको अपन को चेंज करना है। और अब क्या हो जाती है कि वो लिमिट हो जाती है। आपको क्या करना है, यूट्यूब के यहाँ से कुछ काम नहीं, यहाँ से आपको चेंज नहीं करना। आपको जाना है आपकी गूगल प्लस पे जाना है आपको। ये देखिए, हमको गूगल प्लस पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका साइन इन है अकाउंट, आपको ज्वाइन गूगल प्लस कर देना है। अब यहाँ पे आपको ये नाम मांग रहा है कि हम क्या नाम डालें, तो उसका आपको जो भी नाम देना है वो डाल सकते हैं। जैसे कि न्यू ठीक है, और क्रिएट प्रोफाइल कर देना, और फोटो लगाना हो लगा सकते आप कुछ भी। तो आप देखेंगे कि हमें इसमें यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, रुकिए दो मिनट। सेटअप कर देने का है, इसके बाद मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम चेंज हो चुका है, न्यू चैनल हो चुका है। और आपका गूगल प्लस पे पहले से अकाउंट है और आपको फिर भी आपको मतलब चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, आपके गूगल प्लस की जो अकाउंट है उसको आप यहाँ से सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे नीचे जाना है, डिलीट योर गूगल प्रोफाइल प्लस अकाउंट। तो आपको इस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपके सामने पेज खुलेगा, कुछ ऐसा पेज होगा। आपको पासवर्ड डालना है आपके, पासवर्ड डाल के नेक्स्ट कर देना है। तो आपको क्या करना है, डिलीट कर देना है। इससे आपको यूट्यूब चैनल डिलीट नहीं होगा, आपकी ओनली प्रोफाइल डिलीट होगी। और कुछ भी रीजन चूज करके आपको कर देना है, ओके ठीक है। इसके बाद ये जब हो गया, आपको आप इसे गूगल प्लस का है रिफ्रेश करना है। आपका चैनल का नाम अभी न्यू चैनल है ठीक है। तो आपको गूगल प्लस करने के बाद आपको वहाँ पर ज्वाइन करना है, और वहाँ पर आपसे यहाँ पूछेगा नाम क्या लिखना चाहते हैं। तो आप लिख देते हैं सेकंड चैनल ठीक है। तो इसको क्रिएट प्रोफाइल कर देते हैं, और फोटो लगाना लगा सकते हैं स्किप। और ये देखिए, आपकी ऑफिस तैयार हो चुकी है, और आपको रिफ्रेश करना है। आपको यहाँ पर थोड़ा सेटअप करना होता है, इसको होम
पे जाइए और 2 मिनट मतलब थोड़ा टाइम लगेगा उधर नाम सेट करने के लिए, बस आपको कंटिन्यू कर देना है। और आप देख सकते हैं अपने नेम चेंज होकर सेकंड चैनल जो हमने टैप किया था वो किया। आप ऐसे करके आप बार बार कर सकते हैं, आपको वो एक 90 दिन की लिमिट का वो वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास गूगल प्लस का अकाउंट है और आपका मतलब उसमें बहुत सारा पोस्ट वगैरह पड़े तो फिर तो आपको मतलब कोई तरीका नहीं है ऐसा कुछ करने का, तो आप उसको डिलीट तो कर सकते नहीं, आपके सारे पोस्ट वगैरह है उसके अंदर। और अगर गूगल प्लस आप यूज़ नहीं करते, बस टेम्प्रेरी है वो अकाउंट, तो आप उसको डिलीट करके आप चैनल नेम चेंज कर सकते हैं। और तो इस वीडियो आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद है इसको लाइक कर देना और शेयर कर देना, अगर कुछ काम है तो फिर इसको लाइक तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट रोज सप्ताह में डालते रहता हूँ, तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू।